उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच विकास खंड नवाबगंज अंतर्गत आज सरकार द्वारा सभी प्रकार के कार्ड धारकों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण कोटेदार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ई पास मशीन के नेटवर्क न होने के कारण खाद्यान्न का वितरण करने में कोटेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अखंड भारत न्यूज के संवाददाता ने क्षेत्र के उचित दर कोटेदारों की दुकान का जायजा लिया। ग्राम पंचायत बसंतपुर कलिका यहाँ पर कोटेदार पुतनखा मौजूद थे, सामने गल्ले का ढेर लगा हुआ था, लेकिन ई पास मशीन में नेटवर्क ना होने के कारण खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा था। कालिका कोटेदार पुतन खा के यहाँ ई पास मशीन ना चलने के कारण यहाँ पर जो है गंदे का ढेर लगा हुआ, लेकिन कोई भी खाद्यान्न लेने के लिए नहीं आया हुआ। जो लोग आए थे वो यहाँ से लौट चुके हैं। कोटेदार पुतन खां ने बताया कि कुल कार्ड 332 में से 18 कार्ड धारकों को मुफ्त में खाद्यान्न वितरण किया गया। वहीं ग्राम पंचायत रामनगर सिमरा में कोटेदार शिव कुमार वर्मा यहां पर भी ई पास मशीन में नेटवर्क ना होने के कारण खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा था। आप कहां के कोटेदार? रामनगर सिमरा। आपके यहाँ कितने कोटेदार हैं? कुल कितने जो है कार्ड धारक? हमारे यहाँ 516 15 लोग। ग्राम पंचायत जलालपुर यहां पर भी ई पास मशीन में नेटवर्क ना होने के कारण खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा रहा था। कोटेदार मकबूल ने बताया कि गांव के बाहर ई पास मशीन को ले जाकर रखा गया, थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाने पर 522 कार्ड धारकों में से 33 पात्रों को खाद्यान्न का वितरण किया गया है। वहीं ई पास मशीन में नेटवर्क न होने के कारण पात्र कार्ड धारक कड़ी दोपहर में खड़े खड़े अपने घरों को वापस चले गए। आपको बताते चले कि लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दो वक्त पेट भरने के लिए यही खाद्यान्न का सहारा है, लेकिन ई पास मशीन में नेटवर्क न होने के कारण दिन भर लाइन में लगकर लोग दूसरे दिन के इंतजार में घर वापस चले गए। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद साहिद अंसारी के साथ जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक तरफ मौसम की मार तो दूसरी तरफ पशु आश्रय स्थल से निकले छुट्टा जानवरों से अगर थोड़ी बहुत गेहूं की फसल बची है तो जंगली नील गायों का आतंक जारी है। यह झुंड के झुंड नील गायें क्षेत्र के बीजे गांव, रिक्खी गांव, अवधूत गांव, जयमाला गांव, बुद्धि गांव, बंवरिया, राजपुर आदि स्थानों पर गेहूं की खड़ी फसलों एवं खेतों में कटी पड़ी फसलों को खाकर किसानों को काफी नुकसान पहुँचा रहे हैं। किसान मालती प्रसाद, मनीष किशोरी लाल आदि का कहना है कि दिन भर खेतों की रखवाली करने के बाद भी जैसे ही किसान किसी काम से खेतों को छोड़ते हैं वैसे ही नील गाय के झुंड गेहूं की फसलों पर हमला कर देते हैं तथा फसलों के खाने के बाद नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। किसानों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई न होने से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हम नवाबगंज क्षेत्र में खड़े हुए हैं जयमाल गाँव के पास, और यहाँ पर खड़ी फसलें हैं। इन खड़ी फसलों को जो है नील गाय कितने नुकसान पहुंचा रही हैं और इन नील गायों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है। झुंड के झुंड ये नील गाय देखिए खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रही है और किसानों का काफी नुकसान हो रहा है इन नील गायों के झुंडों से। ये गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गेहूं की खड़ी फसल को नील गाय नुकसान पहुंचा रहे हैं नवाबगंज क्षेत्र में। अखंड भारत न्यूज के लिए मोहम्मद साहिद अंसारी के साथ जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।